नमस्कार दोस्तों, मैं होस्ट रुद्रकांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर सुखोई के बारे में, जो कि SU-30 MKI का ही एक एडवांस वर्जन होने वाला है। क्या यह SU-35 से बेहतर है, क्या यह एक फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और भारत और रशिया इस प्लेन को क्यों डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, तो चलिए जान लेते हैं। सुपर सुखोई के बारे में जानने से पहले हमको SU-30 के बारे में जान लेना चाहिए। इसके तीन वेरिएंट विश्व में उपलब्ध है। SU-30 जो कि रशिया खुद इस्तेमाल करता है, उसके अलावा तीन वेरिएंट उपलब्ध है विश्व में, SU-30 MKI, SU-30 MKK और SU-30 MKM। SU-30 MKI की बात की जाए तो वो रशिया और भारत दोनों मिलकर डेवलप किए हैं, यानी कि रशिया का जो SU-30 था उसको भारत ने अपने हिसाब से कस्टमाइज किया है और अब इसका निर्माण भारत में ही हो रहा है, जिसका लाइसेंस रशिया ने हमें दिया हुआ है। SU-30 MKK की बात की जाए तो इसको चाइनीज एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, वियतनाम की एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, वेनेजुएला की एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, और भी दो तीन कंट्रीज हैं जो इसका इस्तेमाल करती हैं। और SU-30 MKM की बात की जाए तो मलेशियन एयरफोर्स इसका इस्तेमाल करती है। तो ये तो हो गए इसके वेरिएंट। भारत को SU-30 MKI वर्जन मिला था 2002-03 के बाद, और रशिया ने इससे पहले ही चाइना को उनका वर्जन दे दिया था, पर भारत का जो वर्जन था वो काफी बेहतर था चाइना के वर्जन से, इनफैक्ट रशिया के वर्जन से भी काफी बेहतर था, क्योंकि भारत ने रशियन एयरक्राफ्ट में कुछ फ्रेंच और इजरायली सामान भी लगाए थे। कुछ इसी प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई फर्नीचर की दुकान है, उसने अपना कोई फर्नीचर या सोफा सामने रखा और आपको वो सोफा पसंद आ गया, पर आपने कहा कि इसको मैं खुद से बनवाऊंगा, सामने बैठ के बनवाऊंगा उस बढ़ई से का, और वो एग्री हो गया, तो आप उसमें फेविकोल ज्यादा लगाएंगे, उसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर देंगे, उसमें लगने वाला कपड़ा और उसमें लगने वाला फोम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, और यदि आपका चुनाव बेहतर है तो आप उसके जो पुराने वाले सोफा थे उससे बेहतर चीज डेवलप करके अपने सामने रख लेंगे और आपको वो मिल जाएगी। कुछ इसी प्रकार का SU-30 MKI के साथ भी हुआ। यह SU-30 का सबसे एडवांस वर्जन था, भारत की जागरूकता के कारण यह एडवांस वर्जन बन पाया, और इसकी बहुत सी चीजें अप्लाई की गई SU-35 में रशिया के द्वारा, जब उसने अपने एयरफोर्स में SU-35 को इंडक्ट किया। अब बात आती है SU-35 की, जो कि चाइना को मिल चुका है ऑलरेडी 2017 में, जो कि SU-30 से थोड़ा एडवांस है, और चाइना के अलावा केवल रशिया के पास ही यह एयरक्राफ्ट है, और रशिया ने इसको अभी भारत को देने का कोई मन नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि रशिया की चाइना से दोस्ती भारत से ज्यादा है, या कोई भी ऐसा सामान जो डिफेंस का होता है वो चाइना को पहले मिलता है रशिया के द्वारा और भारत को उसके बाद मिलता है। तो ये तो हो गई इसके पीछे की कहानी, पर अब फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, तो वहां पर SU-30 MKI कहीं भी नहीं टिकता है। जिस समय यह भारत में आया था तब यह अपने समय का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट हुआ करता था, पर अब यह केवल फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट में ही बेहतर है, और इससे बेहतर केवल SU-35 है। पर SU-35 रशिया भारत को नहीं बेचना चाहता है, पर रशिया ने एक और गेम खेला, उन्होंने कहा कि हम आपके SU-30 को ही डेवलप करेंगे और लगभग SU-35 के बराबर बना देंगे। यहां पर कुछ लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि SU-35 के बराबर हो जाएगा सुपर सुखोई, तो ऐसी कोई बात नहीं है, और यहां पर मिसअंडरस्टैंड होता है कि वो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट हो जाएगा, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं कि सुपर सुखोई में क्या क्या चीज एडवांस लगी होंगी SU-30 MKI से। सबसे पहले इसमें इंजन अपग्रेडेशन होगा SU-30 में। अभी तक AL-31FP टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका थ्रस्ट लगभग 123 किलो न्यूटन का है, जबकि अपग्रेडेशन के बाद Saturn 117S या AL-41F1S का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका थ्रस्ट है 142 किलो न्यूटन का, और यह रशिया के फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा इसके रडार में भी चेंजेस होंगे। रडार अभी जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो NIIP N011M-12 हाइब्रिड पेसा रडार इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि पेसा रडार और एसा रडार के बीच की एक कड़ी है, आप एक ब्रिज कह सकते हैं इन दोनों के बीच के रडार को। पर सुपर सुखोई में रशियन फेजिट्रॉन ज़ूप ऐसा रडार का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि रडार में भी चेंजेस किए जाएंगे। इसके अलावा सुपर सुखोई के रडार क्रॉस सेक्शन को भी कम किया जाएगा। यहाँ पर हमें एक कंफ्यूजन हो जाती है कि क्रॉस सेक्शन को कम करने का मतलब फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, तो ऐसा नहीं है। फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने के लिए पूरे के पूरे प्लेन को एक नए सिरे से डिजाइन करना होगा, उसके बॉडी पे नया मटेरियल लगाना होगा, नए प्रकार का पेंट लगाना होगा, जिसके द्वारा उसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है, थोड़ा रडार क्रॉस सेक्शन कम होगा, और इसमें इस प्रकार के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि SU-35 में ही किया गया है, और उसके बराबर ही इसको फ्लाइंग आवर प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को भी चेंज किया जाएगा और कुछ सेंसर्स चेंज किए जाएंगे, और इसमें लगने वाली मिसाइल्स को भी चेंज किया जा सकता है। तो यह कुछ अपग्रेड सामने निकल कर आए, हालांकि अभी तक ऑफिशियल कोई भी अपग्रेड सामने नहीं निकल कर आया, यह सब कयास लगाए जा रहे हैं जो कि SU-35 से मिलते जुलते हैं या फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट से मिलते जुलते हैं, और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि भारत
और रशिया के बीच में इन्हीं सब पर समझौता होने वाला है। तो क्या सुपर सुखोई SU-35 से बेहतर हो जाएगा? तो SU-35 में कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो सुपर सुखोई को नहीं मिल सकती, उसके बारे में भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। SU-35 की रेंज है 3600 किलोमीटर जबकि SU-30 की है 3000 किलोमीटर। SU-35 का रेट ऑफ क्लाइंब है 280 मीटर पर सेकंड और SU-30 का 250 मीटर पर सेकंड। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि चेंज नहीं हो सकती हैं। इसके अलावा लगभग उसको SU-35 के बराबर बना दिया जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया रशिया ने बहुत सी ऐसी चीज अडॉप्ट की है जो कि SU-30 MKI में भारत को पहले ही मिल चुकी है। तो अभी करंट की क्या अपडेट है? रशिया ने भारत से पूछा था कि क्या अपडेट कराने को वो तैयार है, क्योंकि यह सौदा लगभग 8 से 6 बिलियन डॉलर का होने वाला है। भारत ने कहा है कि अभी हमें थोड़ा और सोचने का समय चाहिए, क्योंकि रशिया खुद तो SU-35 अभी बेचने को तैयार नहीं है भारत को, पर वह चाहता है कि कुछ ना कुछ पैसे SU-35 के बराबर कमा लिए जाएं, क्योंकि जब सुपर सुखोई बन जाएगा तो भारत को SU-35 की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं हो। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे, जबरदस्त तरीके से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन सभी लोगों को जिनको सुपर सुखोई के बारे में अभी तक अच्छी जानकारी नहीं मिल पाई है। और आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें अभी मुझे लगता है कि इस वीडियो में छूट गई होंगी। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं उनको आगे किसी और नई वीडियो में इंक्लूड करने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, थैंक यू।